मतलब उनको कुछ ऐसी चीज़ आई और बेवक्त आई, मतलब क्या ही कह सकते हैं, मतलब कोई टाइम नहीं, लेकिन ऐसी चीज़ों का कभी भी आ सकती है, और वो है तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और अभी टाइम हो रहे हैं अप्रॉक्स 12 बजने वाले हैं अब, तो अभी अभी हम लोग खाना खा रहे थे। मेनली हुआ ये कि सुबह से देख सकते हो अभी भी बहुत कुछ बाकी है। ये देखो सब फिर से वापस से तुरंत निकल हो चुका है, सबको सही करना था, उस रूम को भी थोड़ा बहुत सही करना था, तो उसमें टाइम लग गया। और अभी शाम के 6 बज रहे हैं, और हमारे जो ब्लॉग के को फाउंडर हैं, यानी कि हमारे छोटे भ्राता सिंह, वो मतलब उनको कुछ ऐसी चीज़ आई और बेवक्त आई, मतलब क्या ही कह सकते हैं, मतलब कोई टाइम नहीं, लेकिन ऐसी चीज़ों का कभी भी आ सकती है, और वो है नींद। तो मैं आपको दिखाता हूँ मतलब किस बुरे तरीके से वो सो रहे हैं, और अब पूरी रात आई थिंक ऑफ कोर्स उनको नींद तो आने वाली है नहीं, दिखाता हूँ वो किस तरह सो रहे हैं। सडनली मुझे याद आया कि मतलब अरे यार, मैंने तो कपड़े दिए थे फ्रेश होने के लिए, तो वो लेने जाना है, और मतलब मैं तो भूल ही जाता, तो फिर शॉप क्लोज हो जाती है, तो फटाफट चलते हैं और प्रेस वाले कपड़े को लेके आते हैं। In an orange sky by the ocean blue, every marvelous my soul renewed, taken by the sunrise and the golden view, walking slowly in the mountains underneath the constellations, yeah. आ गए हैं, और मतलब मैं इतना हाफ देता हूँ, मैं इतना अप डाउन करने में सेहत की तो वाट लगी पड़ी है। खैर फटाफट खाना निपटाते हैं, 6:30 हो गया, और फिर आपसे मिलते हैं खाने टाइम में। सो अभी मतलब नींद में है, और मेरे को अभी कुछ देर मतलब मैं पढ़ाई करके उठाऊँ, और अभी मतलब मैं सोच रहा हूँ कि खाना बनाऊँ अभी कि 1 घंटे बाद बनाऊँ, तो फिर मेरा मन कर रहा है कि अभी बना लेता हूँ, और उसके बाद फिर मतलब थोड़ा पढ़ाई कर लूँगा, क्योंकि एग्ज़ाम है, फाइनल एग्ज़ाम है एक्चुअली। अब मतलब सब 4 पेपर ख़त्म हो गए हैं, लास्ट पेपर बचा है, तो यही है, और इनके सौंपने का वेट करता हूँ, और तब तक बड़े भाई साहब भी आ जाएंगे हमारे ऑफिस से। और अभी मैं बाहर दिखाता हूँ, एक्चुअली कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उस वजह से बड़ी ही मतलब प्रॉब्लम, आवाज़ बहुत आती रहती है। मैं आपको दिखाता हूँ कंस्ट्रक्शन। गाइस फाइनली उठ चुका है ये, और अभी बज रहे हैं 7, और अभी ये जा रहा है मुंह धोने के लिए, तो और मैं भी निकलता हूँ, मतलब खाने पीने का तैयारी इंतजाम करता हूँ, और भी 2-3 काम है निपटा लेता हूँ फटाफट। तो गाइस यहाँ पे अभी मैं सो के तो उठ ही चुका हूँ, और ये देखो इसको दौरे पड़ रहे हैं, पता नहीं किस बात के दो ही रहो, नहीं तो कोविड वायरस के तहत दौरों की वजह दवाई भी आई नहीं है। और बाल जो है थोड़े मैसी हो गए हैं, अब इसको भी थोड़े सही करने पड़ेंगे, और थोड़े कटिंग की जरूरत भी है। गाइस अभी यहाँ पे वेदर ज़्यादा टहल रहा है, क्योंकि मौसम बहुत सही है, और भाई अपना लगा है खाना बनाने में, देख सकते हो अभी तो आलू की कटाई चल रही है, आधे आलू कट भी चुके हैं। और तो गाइस आलू काटने में दिक्कत ये होता है मेरे को ना, कि सेम शेप में मतलब नहीं कटता, तो कई बार क्या होता है कि कोई चीज़ मोटा कट गया कोई ज़्यादा, तो पूरा प्रॉपरली पक नहीं पाता है। अब क्या मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ, बट काफ़ी हद तक सही है, लेकिन काफ़ी हद तक गड़बड़ा जाता है। फिलहाल अभी तेल गर्म हो रहा है, और मैंने मतलब सोच लो आँच पे तेल गर्म होने के लिए दे दिया है, और ये फटाफट मैं काट लेता हूँ। और आज बना रहा हूँ मैं आलू भुजिया की सब्जी,
और बना रहा हूँ ऑमलेट बना लूँगा, तो आज का काम निकल जाएगा और कल दाई आएगी तो कल भिंडी भुजिया बन जाएगा। सही है। भाई तुमने खाना बनाने लगा है, मैं बाहर देख रहा था, बाहर बहुत सही मौसम हो रहा है। मैं दिखाता हूँ आपको, देख सकते हो कितना सही मौसम हो रहा है एकदम। आज बारिश होने के पूरे चांसेस हैं, बाकी डिपेंड करता है। देखो फ्लावर्स भी कितने अच्छे से हैं। अभी मैं पानी भी लेना है प्लांट्स में और मैं ही दे देता हूँ सोच रहा हूँ, तो चलो लाता हूँ पानी, फिर पानी देता हूँ और इन नन्हे नन्हे फ्लावर्स को और बड़ा होने देते हैं। बाकी ऊपर तो झाड़ हो गया है, यही साइड जो है वो है अच्छा खासा, एक फ्लावर ये है और देखिए। गाइस अभी मैं नहा के आ चुका हूँ और अब बारी है कुछ खाने की, मतलब हमारे खाने की, तो खाएंगे और फिर उसके बाद थोड़ी देर मैं अब जो रेगुलर करता हूँ थोड़ा बहुत टाइपिंग प्रैक्टिस, वो टाइपिंग प्रैक्टिस करूँगा। और क्योंकि हम लोग का जो मतलब मेरा जो सब्जेक्ट है बीसीए, उसमें थोड़ा टाइपिंग मतलब टाइपिंग प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, तो करेंगे और फिर उसके बाद सो जाएंगे बातचीत करके और फिर अगले दिन की तैयारी करेंगे। तो बस इतना ही था आज के ब्लॉग में। तो अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो ब्लॉग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके उतना शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से सब्सक्राइब बढ़ता है। और हाँ, आप लोग कर रहे हैं सब्सक्राइब, वो देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ अब और भी मोटिवेशन हो रही है कि अच्छे से अच्छे और कंटेंट आपको दिया जाए। हमारे लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे हमारी लाइफ एक दिन बीतता है, कैसे बीतता है, कितने अच्छे तरीके से बीतता है, कितने प्रॉब्लम्स आते हैं, वो सब दिखाने की पूरी तरह से मैं कोशिश करता हूँ। बाकी अभी फ़ोन तो है नहीं, फ़ोन आ जाएगा तो और भी अच्छे तरीके से दिखेगा, तो तब तक ही जो प्रॉब्लम है। तो फिर मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में किसी नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।